हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10 साइंस। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेरिवेशन हमें करना है। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के हिसाब से, इसके सही तरीके से समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से फ्लो हो रही है और इसमें करंट आई, इसमें ये फ्लो हो रहा है। ये लेंथ एल, एल लेंथ का ये वायर है जिस पर फोर्स एफ अपर डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके डेरिवेशन कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे, लेट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ लेंथ एल बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी, बी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें प्लेस्ड है एंड आई करंट इज फ्लोइंग, आई करंट इज flowing through the conductor making an angle theta making an angle theta एक theta angle बना रहा है with the magnetic field B magnetic field बी बी से, देन जो फोर्स होगा, जो फोर्स एफ है एक्टिंग ऑन एक ऑन द कंडक्टर इज क्या होगा, नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इट्स मीन जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, राइट। इट्स मीन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकेंड लेट करेंगे एंड द थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इट्स मीन एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल, राइट, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड द फोर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या कहेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, राइट। एफ का एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा, राइट, वेयर एफ इक्वल्स टू क्या लेंगे, के आई बी एल साइन थीटा, वेयर K is constant and K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 1, so F is equals to I B L sin theta, right। ये हमारा डेरिवेशन प्रूव हो गया, क्लियर। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, मेनली मैंने आपको बताया कि पहले फॉर्मूला ध्यान रखिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, राइट। तो हमें क्या करना है,
आई क्या होता है करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ एंड साइन थीटा साइन ऑफ एंगल। तो इसी के अकॉर्डिंग एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। यही चीजें हमने सारी लिखी यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हमारा एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा हो जाता है, राइट। इसके अकॉर्डिंग सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें केस और बनते हैं। केस फर्स्ट में इफ थीटा, देखिए केस फर्स्ट में अगर पैरेलल है तो थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट, इन पैरेलल, राइट, अगर करंट पैरेलल है तो एफ कितना हो जाएगा फिर हमारा, एफ इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और अगर केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है देन एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई बी एल, राइट। ये केस टू केस हमारे यहां पर बन जाते हैं, क्लियर।